गहलोत से मिलने को तैयार नहीं गांधी परिवार। दो दिन से दिल्ली में डेरा डाले हैं अशोक गहलोत। गहलोत से पहले पायलट से भी नहीं मिला था गांधी परिवार। 11 अप्रैल को सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया था। कांग्रेस नेताओं ने इसे पार्टी विरोधी माना। वैसे पायलट दावा कर रहे हैं कि अनशन उनका वसुंधरा राजे सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना कांग्रेस के खिलाफ बोलना कैसे हो गया? पायलट अनशन करने के बाद दिल्ली पहुंचे, इस उम्मीद से आए थे कि दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात हो या फिर प्रियंका गांधी से मुलाकात हो जाएगी। मौका लगा तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से भी मिल लिया जाएगा। 5 दिन पायलट दिल्ली में डेरा डाले रहे, लेकिन गांधी परिवार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद वो जयपुर वापस लौट गए। गांधी परिवार का पायलट से ना मिलना ये संकेत दे रहा है कि वो अब उनसे दूरी बना रहे हैं। लेकिन पायलट पर राहुल गांधी के दबाव में कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। साफ था कि पायलट को पार्टी से किनारे भी नहीं किया जाएगा। पायलट पार्टी की जरूरत है, इसके लिए अनशन के बाद भी उन्हें नोटिस नहीं दिया जाएगा। गांधी परिवार के लोग पायलट से दूर रहे तो पायलट जयपुर लौट गए। पायलट वापस लौटे तो 21 अप्रैल को सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए। पायलट के खिलाफ सबूतों के साथ आए हैं, साथ ही विधायकों के साथ मीटिंग में जो फीडबैक मिला है उसकी रिपोर्ट भी लाए हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि पार्टी ने स्थानीय स्तर पर जो सर्वे कराया उसकी रिपोर्ट भी गहलोत के पास है, जिसमें गहलोत सरकार को जनता की नजर में पास बताया है। 11 अप्रैल की शाम को जब सचिन पायलट दिल्ली गए थे तब राहुल गांधी दिल्ली में ही थे। 2 दिन बाद राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पर गए। 21 अप्रैल की शाम को जब अशोक गहलोत दिल्ली गए थे तब भी राहुल गांधी दिल्ली में ही थे। 22 अप्रैल को राहुल गांधी दिन भर अपनी मां सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ थे। 22 अप्रैल को ही राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला 12 तुगलक रोड खाली कर दिया था और बंगले की चाबियां प्रशासन को सौंपी। इस दौरान भी सोनिया और प्रियंका गांधी राहुल के साथ मौजूद थे, लेकिन अशोक गहलोत दिल्ली में होते हुए भी कहीं नजर नहीं आए। अमूमन देखा जाता है कि जब किसी विशेष प्रायोजन के लिए गहलोत दिल्ली जाते हैं तो सोनिया गांधी से जरूर मिलते हैं, लेकिन इस बार अभी तक वे गांधी परिवार के किसी भी सदस्य से मुलाकात नहीं कर पाए। दरअसल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है उन हालातों से गांधी परिवार और कांग्रेस आलाकमान खुश नहीं है। गांधी परिवार अशोक गहलोत सचिन पायलट दोनों नेताओं के साथ तालमेल बैठाकर चलना चाहता है, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। पिछले 4 साल से दोनों को साथ लेकर चलने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन गहलोत और पायलट के बीच पटरी नहीं बैठी। दोनों के बीच तालमेल बैठना तो दूर, पिछले 4 साल में दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयान दिया है। पिछले 4 साल में गहलोत और पायलट के साथ उनके समर्थकों ने जमकर बयानबाजी की। दोनों के बीच झगड़े के मुख्य वजह मुख्यमंत्री कुर्सी है। पायलट कुर्सी पाना चाहते हैं, दावा कर रहे हैं कि विपक्ष में रहते हुए सड़क पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, सत्ता मिली तो कुर्सी मिलनी थी, लेकिन ये गहलोत को मिली। लेकिन गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, इसी कुर्सी को लेकर दोनों के बीच कसमकस जारी है। इस मसले पर गांधी परिवार ने कोई फैसला नहीं लिया है। सितंबर 2022 में भी गांधी परिवार सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने वाले थे, लेकिन गहलोत गुट के नेताओं की बगावत ने पायलट के सपनों पर पानी फेर दिया। गहलोत और पायलट दोनों गांधी परिवार के नजदीकी माने जा रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार इन दोनों नेताओं में ना तो तालमेल बिठा पा रहा है और ना ही इनके बारे में कोई ठोस निर्णय ले पा रहे हैं। दोनों में से किसी एक नेता को चुनना गांधी परिवार के लिए आसान नहीं है, क्योंकि दोनों नेताओं में किसी एक के नाराज होने से पार्टी को बड़ा नुकसान तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, दरोदर पर न्यूज़।